हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू खाना मनपसंद। मैं कामना चोपड़ा खाना मनपसंद में आपका स्वागत करती हूँ। आज की रेसिपी जो है वो है ये कस्टर्ड आइसक्रीम, और ये बहुत ही टेस्टी बनती है। यकीन मानिए, कम खर्च में बहुत ही टेस्टी आइसक्रीम बन करके रेडी हो जाती है। एक कप व्हिपिंग क्रीम से हमने यहाँ पर लगभग 1.5 लीटर के करीब आइसक्रीम बनाई है। बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर वाली आइसक्रीम और बहुत ही झटपट से बन जाती है। तो आइए जल्दी से ये रेसिपी शुरू करते हैं। तो कस्टर्ड आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले हम 2 कप दूध लेंगे, और ये 2 कप तो ये दूध को हम गर्म होने देंगे। और साथ ही मैंने यहाँ पर 1/2 कप दूध ले लिया है जो कि बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर है। इसमें मैं ऐड कर दूंगी 3 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर। बेसिकली हमें कस्टर्ड का एक घोल तैयार करना है, तो ये कस्टर्ड पाउडर और दूध को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि कस्टर्ड जो है वो नीचे जाकर के देखिए बैठ जाता है, तो इसको अच्छे से स्टर करेंगे। तो देखिए, इसमें अब हम थोड़ा थोड़ा करके कस्टर्ड वाला मिक्सचर इसमें मिला देंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे। तो इस तरह से लगातार चलाते हुए हम इसे गाढ़ा होने तक पकाएंगे। देखते ही देखते तुरंत गाढ़ा हो जाएगा ये। तो मैंने यहाँ पर 2.5 कप दूध लिया है कस्टर्ड तैयार करने के लिए। ये देखिए, बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है, ये कुछ इस तरह का मिक्सचर रेडी हो जाएगा। अच्छे से बॉयल होने दें एक बार। तो कस्टर्ड रेडी है। कस्टर्ड गाढ़ा होने के बाद मैं इसमें 1/2 कप चीनी डाल दूंगी और इसको एक बार मिक्स कर लेंगे। चीनी को अच्छे से घुलने देंगे। तो चीनी अच्छे से घुल चुकी है, अब हम इसको साइड पर रख देंगे ठंडा होने के लिए। देखिए, कस्टर्ड की कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा देती हूँ। जब ये स्पैचुला या स्पून आप निकालें तो उसके बाद आप इस तरह से देखें कि ये देखिए इस तरह का कस्टर्ड की कंसिस्टेंसी चाहिए। ये फैल नहीं रहा, पानी जैसा नहीं है, और अब ये अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा। तो इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी, उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो ये देखिए, कस्टर्ड अच्छे से ठंडा हो चुका है, आप देख सकते हैं कितना थिक हो गया है। तो इसको एक बार मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसे छान करके यूज कर सकते हैं, बट इसे मिक्स करने पर ये इजिली मिक्स हो जाएगा और आपको लम्स भी नहीं दिखेंगे। और वैसे भी हमें इसे क्रीम में मिक्स करना है, तो इसलिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब हम आगे का प्रोसेस करेंगे आइसक्रीम बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पर एक बड़ा बाउल ले लिया है, यहाँ पर मैं सेम कस्टर्ड वाला कप ले रही हूँ, और इसमें डालेंगे 1 कप व्हिपिंग क्रीम। ये देखिए, फ्रोजन क्रीम है, आप देख सकते हैं। देखिए, पूरा 1 कप भर करके लेंगे। अगर आप ये वाली व्हिपिंग क्रीम यूज नहीं कर रहे हैं तो आप अमूल की जो फ्रेश क्रीम आती है उसके 2 कंटेनर ले लें और उनको फ्रिज में रख दें ओवरनाइट, और उसको आप यूज कर सकते हैं। पतली क्रीम को अलग कर दें और गाढ़ी वाली क्रीम जो होती है उसको इसी तरीके से विस्क कर लें। तो देखिए, मैंने यहाँ पर 1 कप व्हिपिंग क्रीम ली है, इसको मैं बाउल में डाल दूंगी। और यहाँ पर जो मैंने ब्रांड लिया है वो है गुडरिच। ये देखिए, गुडरिच ब्रांड की है। तो सारी क्रीम अच्छे से निकाल लेंगे, और बाकी की जो क्रीम है उसको मैं फ्रीजर में रख दूंगी, अगेन फ्रोजन होने के लिए, और इसको बाद में हम जब मर्जी जब चाहे यूज कर सकते हैं। आप इसे इस तरह की बलून विस्क के साथ भी बीट कर सकते हैं, बट उससे थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा। तो इसको एक ही डायरेक्शन में इस तरह से बीट करेंगे तो काफी जल्दी से अच्छे तरीके से बीट हो जाएगी, बट थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। तो आप इस तरह से इससे इसे बीट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक बीटर का यूज कर रही हूँ, इससे अच्छे से विस्क कर लेंगे जब तक कि ये सॉफ्ट पीक्स तक नहीं आ जाती। ध्यान रखें, ये जो क्रीम है वो फ्रोजन ही होनी चाहिए, अच्छे तरीके से चिल्ड हो, बिल्कुल अच्छे से ठंडी होनी चाहिए, तभी अच्छे से बीट हो पाती है। तो मैं इसे बीट कर लूंगी। धीरे धीरे मिक्सर की स्पीड को बढ़ाएंगे, पहले स्लो पर रखेंगे और फिर बाद में इसे बिल्कुल हाई स्पीड तक ले जाएंगे। देखिए, काफी थिक हो गई है। तो ये देखिए, जैसे ही ये हल्की सी फ्लफी हो जाएगी, हम इसमें 1/4 कप पिसी हुई चीनी डाल देंगे। आप पिसी हुई चीनी को छान लें जिससे कि उसके लम्स ना आए। तो ये देखिए, इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। हमने इस आइसक्रीम में कुल 3/4 कप चीनी का यूज किया है। अगर आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो ये देखिए, इसकी पीक्स आप देख सकते हैं, अभी ये पूरी तरह से सॉफ्ट पीक पर नहीं पहुंची। मैंने वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड यूज किया है, तो मैं इसमें लगभग 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस डाल दूंगी, जिससे बहुत ही बढ़िया खुशबू आएगी और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। इसको बिल्कुल
सॉफ्ट पीक तक आ चुकी है, तो इस तरह की हमें कंसिस्टेंसी चाहिए। अब हम इसमें ये कस्टर्ड ऐड करेंगे। देखिए थोड़ा थोड़ा करके कस्टर्ड इसमें हम ऐड करते जाएंगे। जैसे कि मैंगो का सीजन चल रहा है और आप मैंगो फ्लेवर कस्टर्ड यूज कर रहे हैं, तो आप मैंगो प्यूरी भी ऐड कर सकते हैं थोड़ी सी, और थोड़े से मैंगो का पल्प, उसको भी बहुत टेस्टी बनती है आइसक्रीम। और इसी के साथ मैं कुछ बूंदे येलो फूड कलर की ऐड कर दूंगी और इसको मिक्स कर लेंगे। एक बार स्पैचुला से इकट्ठा कर लेंगे ताकि कोई भी ऐसा पार्ट मिक्स होना ना रह गया हो, कस्टर्ड सारे में इक्वली अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। इसको एक बार स्पैचुला से जरूर मिक्स करें, उसको और मिक्स कर लेंगे। तो आइसक्रीम का मिक्सर रेडी है। अब हम इसको किसी फ्रीजर सेफ बाउल में डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर एक ग्लास की डिश ली है जो कि फ्रीजर सेफ है, तो बहुत ही कम खर्चे में बहुत ही सारी आइसक्रीम रेडी हो जाती है। एक कप व्हिपिंग क्रीम से और थोड़ा दूध इस्तेमाल किया है, तो आप भी अपने घर पर इस तरह आसानी से आइसक्रीम बना सकते हैं बहुत ही कम खर्च में, बहुत सारी और बहुत ही टेस्टी। तो मैं इस पर थोड़ी सी टूटी फ्रूटी डाल दूंगी, यहाँ पर ग्रीन कलर की है, सिर्फ गार्निश करने के लिए, जिससे आइसक्रीम देखने में भी बहुत अच्छी लगेगी। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स यूज कर सकते हैं, वैसे भी कस्टर्ड के साथ टूटी फ्रूटी का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। आप बीच में भी डाल सकते हैं, बट बिल्कुल स्मूथ और क्रीमी आइसक्रीम ज्यादा अच्छी लगती है। तो मैं यहाँ पर इसे क्लिंग फिल्म से रैप कर दूंगी। आप चाहें तो कोई एयर टाइट कंटेनर भी यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए, आई होप आपको ये नई आइसक्रीम की रेसिपीज पसंद आ रही हैं, और आने वाली वीडियोस में बहुत सारी रेसिपीज शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, जीमेल पर, जहाँ चाहे शेयर कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया खाना मन पसंद को सपोर्ट करने के लिए। तो मिलते हैं 8 से 10 घंटे के बाद। तो ये देखिए इसको हो चुके हैं 8 से 10 घंटे, और आप देख सकते हैं आइसक्रीम बहुत ही बढ़िया जमी है। पास से देखेंगे तो पता लगेगा, ये देखिए कितनी बढ़िया आइसक्रीम जम करके रेडी हुई है। तो आइए जल्दी से इसको स्कूप आउट कर लेंगे। तो ये देखिए इसकी क्रीमीनेस, बाजार से भी बढ़िया बनती है आइसक्रीम। मैं एक और इसका स्कूप आपको निकाल करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितने बढ़िया इसके स्कूप्स निकल रहे हैं, आपको देखने से ही पता लग रहा होगा कि आइसक्रीम कैसी बनी है। तो रेडी है कस्टर्ड आइसक्रीम, इसे थोड़ी सी टूटी फ्रूटी से गार्निश कर दूंगी। तो देखिए देखने से ही पता लग रहा है कि बहुत ही बढ़िया आइसक्रीम बनी है। तो ये देखिए आइसक्रीम का टेक्सचर बहुत ही स्मूथ, सिल्की और टेस्टी आइसक्रीम बनती है। और ये देखिए, तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड, बाय।